गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसेस। हम अपना चैप्टर 14 रीड कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वो कौन से कारक हैं जो पौधों और जो जैविक संसाधन है या फिर वन्य जीव संसाधन है उनको प्रभावित करते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लाइमेट, जलवायु। जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो वितरण है पृथ्वी पर, ये किसी भी एरिया के क्लाइमेट या जलवायु पर निर्भर करता है। प्लांट्स सोइल में डीप रूटेड होते हैं, इनकी जड़ें जमी हुई होती हैं और ये मूव नहीं कर सकते हैं। उनको एडजस्टमेंट करनी होती है सीजनल चेंज के साथ। अगर मेजर चेंज होता है, कोई बड़ा चेंज होता है क्लाइमेट में, तो प्लांट हो सकता है कि प्लांट सर्वाइव ना कर पाए। और ऐसे ही जो एनिमल्स हैं वो, हालांकि जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं और उनके पास बेटर चांसेस हैं सर्वाइवल के लिए। मींस क्लाइमेट है मेन फैक्टर। टाइप ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति का प्रकार। इफ़ द वेजिटेशन चेंजेस, अगर वनस्पति में बदलाव होता है, द एनिमल लाइफ ऑल्सो चेंजेस, तो जो जीवन वन्य जीवन है वो भी बदल जाता है। सभी प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और आश्रित होते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करते हैं और एक साथ मिलकर ये इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं या फिर पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट है बेटा काइंड ऑफ सॉइल, मिट्टी का प्रकार। जो सॉइल कंपोनेंट है वो डिसाइड करता है कि प्लांट ग्रोथ किस तरह होगी, और जिस तरह का प्लांट ग्रोथ होगा उसी तरह की एनिमल लाइफ भी मिलेगी। एग्जांपल के लिए जो अर्थवॉर्म है वो हर तरह की सॉइल में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विंड। जो विंड है ये प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करती है और ट्रांसपिरेशन को रेट को मात्रा को बढ़ाती है। रिलीफ या फिर जो लैंड जिस तरह का होता है उसके बारे में, स्लोप ऑफ प्लेस, किसी भी जगह का ढाल, पानी की मात्रा और जो सनलाइट है वो मिट्टी का प्रकार को निर्धारित करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। जो प्लांट स्पीसीज किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर भी रहते हैं वो क्या करते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द एनवायरमेंटल फ्रेम, मींस वो दिए गए पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं और इनको एक पर्टिकुलर जगह की जो प्लांट स्पीसीज हैं उनको वेजिटेशन या वनस्पति कहा जाता है। अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम, जब बड़ा लार्ज इकोसिस्टम होता है ऑन लैंड, गिविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और वन्य जीवों को बढ़ावा देता है, तो ऐसे बड़े इकोसिस्टम को हम बायोम या जैव क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब देखो विश्व में मुख्य जो वनस्पतियां हैं वो हैं वन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब, झाड़ियां और टूंड्रा, मीन्स जो आइसलैंड्स में आइसबर्ग या फिर जो बर्फ़ वाली जगह पर, ज़्यादा ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। जो द ग्लोबल पैटर्न ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। अब विश्व में उनका वितरण पानी की मात्रा या नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। जो फॉरेस्ट है वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा मिलती है। ग्रासलैंड संतुलित रेनफॉल वाले क्षेत्र में मिलते हैं, जबकि जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं सूखे क्षेत्रों में मिलते हैं। ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे एरियाज में जो प्लांट्स हैं दे हैव डीप रूट्स एंड लीव्स आर थॉर्नी एंड वैक्सी, ताकि जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो कम हो सके। जबकि जो टूंड्रा वेजिटेशन है ये कहाँ पाई जाती है, कोल्ड पोलर रीजन्स में, और इसमें मॉसेस और लाइकेंस पाए जाते हैं। एवरी प्लांट नीड्स ऑप्टिमम टेम्परेचर, हर प्लांट को उचित तापमान चाहिए होता है। फॉरेस्ट आर फाउंड फ्रॉम इक्वेटर टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। जो फॉरेस्ट हैं वो इक्वेटर से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पाए जाते हैं। प्लांट्स ग्रोथ कीजेज वैन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 6 डिग्री सेल्सियस। जो पौधों का विकास है ये रुक जाता है जब तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है। पोलर रीजन्स में और माउंटेनियस क्षेत्रों में जो प्लांट्स हैं वो बहुत बिखरे हुए पाए जाते हैं। मैप देखिए बेटा, इसमें जो ब्राउन कलर है माउंटेनियस रीजन को दिखा रहा है और माउंटेनियस रीजन पे ही माउंटेन वेजिटेशन होगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर वर्षा का वितरण काफ़ी अच्छा है। थॉर्नी फॉरेस्ट ये एरिया है राजस्थान, गुजरात, कुछ हिस्सा हरियाणा और पंजाब का, और फ्यू पार्ट्स ऑफ गुजरात, देन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। देन ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, मैक्सिमम पार्ट में ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट है इंडिया के में, जो ड्राई सीजन्स में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। फिर टाइडल फॉरेस्ट भी हैं, टाइडल फॉरेस्ट यहाँ ये जो एरिया है
यहाँ पर टाइडल फॉरेस्ट है, स्पेशली जो सुंदरवन डेल्टा है यहाँ पर ये पाए जाते हैं, और कुछ एक और जगह हैं नदियों के डेल्टा जहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। फॉरेस्ट के टाइप्स हैं बेटा, देखो जो फॉरेस्ट हैं मेनली दो तरह के होते हैं, एवरग्रीन और डेसिडियस। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये किसी भी पर्टिकुलर सीजन में, ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट डोंट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग एनी सीजन ऑफ द ईयर। किसी भी सीज़न में ये एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होने के कारण, या इनकी चौड़ी पत्तियां होती हैं, जबकि कोल्ड क्लाइमेट में इनकी पत्तियां नुकीली हो जाती हैं, इनकी नुकीली पत्तियां आती हैं और शंकु आकार की होती हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट या फिर पर्णपाती वन, पत्ते गिराने वाले वन, ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल और जो मध्य अक्षांश एरियाज हैं वहाँ पाए जाते हैं। इन फॉरेस्ट के जो लीव हैं एक सीज़न में एक साथ पत्तियाँ गिरा देते हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रो ट्रांसपिरेशन। क्यों गिराते हैं कि अगर पत्ते ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा मॉइस्चर का लॉस ज़्यादा होगा। अब फॉरेस्ट टाइप्स का एक टेबल है बेटा, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होती हैं, पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, यहाँ पर कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो ट्रीज़ हैं उनको काटना ज़रूरी, उनको काटना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत दूर दूर बिखरे हुए होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं जिन, और ये वन घने भी होते हैं, इसलिए पेड़ों को काटना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं, अमेज़न बेसिन में, ज़ायरे बेसिन, और यहाँ पर इन वनों को सेल्वास कहा जाता है। मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और म्यांमार में भी ये वन पाए जाते हैं। यहाँ पर महोगनी, अबोनी और रोजवुड के पेड़ पाए जाते हैं। मिड लैटिट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, ये मिड लैटिट्यूड में जो साउथ चाइना है इसके पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, साउथ ईस्टर्न यूएसए में, साउथ ब्राज़ील में, ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में और साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। ओक, यूकेलिप्टस, वेटल, यहाँ के जो पेड़ हैं ये बहुत ही मतलब इकोनॉमिकली ये वैल्यूएबल होते हैं। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, यहाँ पर विंटर में अच्छी संतुलित बारिश होती है जबकि समर ड्राई होती हैं। ये अपनी पत्तियाँ गिराकर खड़े रहते हैं। जो प्लांट्स हैं इनके स्पाइनी वैक्सी मोटे पत्ते होते हैं ताकि जो ट्रांसपिरेशन रेट कम हो सके। इनके डीप रूट्स और मोटी मोटे तने होते हैं। ये कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पर पाए जाते हैं और मिडल लैटिट्यूड्स में जो कॉन्टिनेंटल हिस्से हैं उसके वेस्टर्न मार्जिन्स पर पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन एरियाज बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी, जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जिसमें हम एशियन, अफ्रीकन और यूरोपियन एरियाज को शामिल करते हैं, कोर्क, ऑलिव और चेस्टनट यहाँ पर पाए जाते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट या शंकुधारी वन, ये ग्रोइंग सीजन इज लिमिटेड टू शॉर्ट समर, छोटी समर्स होने के कारण जो ग्रोइंग का सीजन होता है, विकास का या बढ़ने का जो मौसम है छोटा होता है। ये लंबे होते हैं और कॉनिकल शंकुधारी होते हैं शेप में। जो ट्रीज़ हैं उनकी मोटी सुई के आकार की पत्तियां होती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो सके और अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए इनका इस तरह की शेप होती है। नॉर्थ पोलर रीजन में पाए जाते हैं, हाई माउंटेन्स में पाए जाते हैं, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में। पाइन, केदार, फर मुख्य पेड़ हैं और इनकी जो लकड़ी है बहुत ही अच्छी होती है, सॉफ्ट वुड होते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट है बेटा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट समर में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, मॉनसून एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया हैव सच फॉरेस्ट्स और इंडिया के बड़े हिस्से में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टीक, साल और शीशम ये पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं जो काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। फिर है मिड लैटिट्यूड डेसिडियस, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, ये पाए जाते हैं जो कोस्टल टेम्परेट रीजन्स हैं, टेम्परेट जोन में जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर, वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्थ ईस्ट चाइना में, जापान, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में, न्यूजीलैंड और साउदर्न चिले में। यहाँ पर बर्थ ऐश और ऑर्किड ट्री पाए जाते हैं। यहीं तक पढ़ें बेटा, आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे और डाउट्स को आप डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।